Hi guys, welcome to Only Work Apps. So today is 12 December 2016 and we are going to discuss the most important words of the Hindi newspaper with picture, जिससे आप लोगों को उस words को याद रखने में बहुत आसानी होगी और वो words आपको बहुत long term तक याद रहेगा. मैंने हर words को एक pic के साथ relate किया है और मैंने एक याद रखने के लिए एक trick भी दिया है जिससे आप लोगों को उस words को याद रखने में बिल्कुल आसानी होगी. So guys, sit back, relax and watch this video till the end to learn something more. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा फर्स्ट वर्ड है गोअर, गोअर. ओके, फर्स्ट वर्ड है गोअर. गोअर मीन्स एक्चुअली होता है सपोज कोई पर्सन किसी जगह पे बार बार रेगुलरली वो डेली जाता है तो उसे बोलते हैं गोअर. सपोज करो आप मूवी जाते हो, आप हर संडे मूवी जाते हो या हर फ्राइडे मूवी जाते हो तो उसे क्या बोलेंगे, मूवी गोअर. ओके, जो वो क्या मतलब हर फ्राइडे हर संडे वो जा रहा है मूवी तो उसे बोलेंगे मूवी गोअर. सपोज करो आप डेली टेम्पल चर्च या गुरुद्वारे जाते हो तो आप बोलेंगे टेम्पल गोअर. ओके, टेम्पल गोअर, टेम्पल गोअर को उसको रिलेट कर दो. ओके, टेम्पल गोअर हो गया. सपोज आप डेली बीच जाते हो या क्लब जाते हो तो क्या बोले उसको, क्लब गोअर, बीच गोअर. मतलब कोई पर्सन रेगुलरली किसी स्थान पर जाता है तो उसे बोलेंगे वो आप स्थान को लो प्लस उसमें गोअर जोड़ दो तो वो क्या हुआ, गोअर. ओके, जैसे मूवी गोअर, बीच गोअर, क्लब गोअर. ओके, आप किसी सब भी जोड़ दो गोअर वो बस वही हो जाएगा. ओके, तो गोअर मीन्स होता है वन दैट गोज स्पेशली ए पर्सन हु गोज टू ए स्पेसिफाइड प्लेस फ्रिक्वेंटली और रेगुलरली. ओके, और आप इसे बोल सकते हैं समवन हु लिव्स, मतलब वो छोड़ के वहाँ जाता है ना, टेम्पल जाता है, मूवी जाता है तो एक स्थान को वो छोड़ जा रहा है तो उसी लिए. ओके, हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं जाने वाले को, जाने वाले. ओके, और देखिए आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं गो प्लस अर. गो मीन्स हो गया टू मूव और प्रपोज्ड. ओके, एंड अर मीन्स वही जो जाता है, जैसे लव हो गया नाउन और जो उसे करता है मतलब ई आर हो गया तो लवर, हेटर. ओके, मतलब जो डूअर है उसको बोलेंगे वही. ठीक है, तो गोअर, लवर, हेटर, तो वही हुआ. गो प्लस ईआर मीन्स फॉर्मिंग नाउन देयर ऑक्यूपेशन. ओके, फॉर एग्जांपल सेवन मूवी गोअर बुक्ड इन चेन्नई फॉर डिसरिस्पेक्टिंग नेशनल एंथम. शायद आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट ने अब मैंडेटरी कर दिया है कि मूवी जब स्टार्ट होगा तो शुरू में ही नेशनल एंथम प्ले होगा. ओके, और उस नेशनल एंथम को सबको रिस्पेक्ट करना है, बस शायद वो डिसएबिलिटीज़ के लिए मतलब दिव्यांग के लिए वो एग्जम्प्ट है, बट जितने नॉर्मल व्यूअर्स होंगे वो उसको मतलब रिस्पेक्ट से उसको मतलब आपको खड़े होकर रिस्पेक्ट करना है नेशनल एंथम का. तो चेन्नई में क्या हुआ था, सेवन मूवी गोअर एक्चुअली शायद सिक्स मैन थे एंड वन वुमेन, जब नेशनल एंथम प्ले हो रहा था मूवी के स्टार्टिंग में तो वो लोग सेल्फीज ले रहे थे. ओके, तो एक तो एक ये क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया, डिसरिस्पेक्टिंग ऑफ नेशनल एंथम हो गया, तो इसीलिए. ओके, जैसा पिक में देख सकते हैं. ओके, ये देखिए मूवी देख रहे हैं, गोअर मीन्स मूवी गोअर आपसे रिलेट करने के लिए ये मैंने पिक को डाला है. चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑब्सटेंसिवली. ऑब्सटेंसिवली मीन्स होता है आप किसी पर्सन के ट्रू इंटेंशन को नहीं समझ पाते. ओके, आप जो आपके जो दिमाग में चल रहा है, आपने जो अपने विचार जो लगाए हैं, मतलब आप जो सोचते हो आप वही समझ रहे हो, उसके जो ट्रू इंटेंशन उसके काम करने का या सोचने का, आप किसी पर्सन के ट्रू इंटेंशन को नहीं समझ पा रहे हो, आपके जो दिमाग में चल रहा है आप बस उसको समझ रहे हो, उसे बोलेंगे ऑब्सटेंसिवली. सपोज फॉर एग्जाम्पल ये आप पिक को देख लोगे, ये पर्सन जो है डेली अपने डॉगी के साथ बीच पर जाता है. ये बीच पे क्यों जाता है, इसे वहाँ रिलैक्स फील होता है, शांति फील होती है, इसीलिए वो डेली वहाँ जाता है, उसे वहाँ जाके खुशी मिलती है. ओके, वो वहाँ क्यों जाता है, क्योंकि वो रिलैक्स फील करता है वहाँ पे. बट अदर पीपल को क्या लगता है, अदर पीपल फैमिली और रिलेटिव को क्या लगता है कि वो बहुत टेंस्ड है, वो बहुत डिप्रेस्ड है, इसीलिए वो वहाँ जाता है. बट ऐसा कुछ नहीं है, इसका ट्रू इंटेंशन क्या था, इसका ट्रू इंटेंशन है वहाँ जाके वो रिलैक्स फील करता है इसलिए वो जाता है. बट अदर पीपल क्या सोचते हैं कि वो बहुत टेंस्ड है, बहुत डिप्रेस्ड है, इसलिए वो वहाँ जाता है. बट क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक जो ट्रू इंटेंशन आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, जो एक्चुअली है ही नहीं, वो बस आपके थॉट में है, तो उसको बोलेंगे ऑब्सटेंसिवली. ऑब्सटेंसिवली मीन तो मतलब हुआ एज अपीयर इज स्टेटेड टू बी ट्रू थ्रू नॉट नेसेसरली सो अपेरेंटली. ओके, अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट और सीमिंगली. हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं जाहिर तौर पर, प्रकट रूप से. ओके, फॉर एग्जांपल द पर्पस ऑब्सटेंसिवली वाज टू टाइटन एग्जिस्टिंग करप्शन लेजिस्लेशन बट इट हैड सम वारसम प्रोविजन. ये मैंने लाइन आज के न्यूज़पेपर से ही कॉपी किया है. ओके, आपको पता होगा 1998 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट हुआ था, तो उससे रिलेटेड ये वो लाइन है. ओके, मतलब
वो जो एक्ट हुआ था, बट वो सीमिंगली मतलब जो जिस जिस कारण वो हुआ था वो तो हो नहीं रहा है, बट उसका जो अदर फेस है मतलब जो मैंने जो बताया जो ट्रू में एक्चुअली नहीं है वो बस चल रहा है, वारे सब प्रोविजन चल रहे हैं। ओके नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिसंगेज। डिसंगेज मीन्स एक्चुअली होता है फ्री फ्रॉम, डिसंगेज मीन्स फ्री 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 योर सेल्फ, फ्री योर सेल्फ और सम ऑब्जेक्ट। ओके फ्री योर सेल्फ और सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर पर्सन और ऑब्जेक्ट। ओके मैं इसको एग्जांपल में बताता हूँ। सपोज करो आप आपका एग्ज़ाम है, ओके 10-15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आपने अपने को आपने अपना फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया। आपने क्यों? अपने पढ़ाई के लिए 10-15 दिन के लिए आपने अपना फ़ोन यूज़ करना बंद कर दिया। तो क्या है मतलब, ये आपने डिसइंगेज किया, अपने फ़ोन से डिसइंगेज किया। ओके आपका जो फ़ोन था आप 15 दिन के लिए यूज़ नहीं करोगे, ये आपका क्या है डिसइंगेज है, आप अपने फ़ोन से डिसइंगेज कर रहे हो। तो ये एग्जाम्पल हुआ पर्सन टू ऑब्जेक्ट, पर्सन टू ऑब्जेक्ट के लिए आपने डिसइंगेज किया, मतलब आपका फ़ोन ऑब्जेक्ट हुआ तो आपने अपना फ़ोन यूज़ करना बंद किया, तो उसको बोला डिसइंगेज, आप 15 दिन के लिए फ़ोन से डिसइंगेज हुए। और मैं इसको एग्जांपल देता हूँ पर्सन टू पर्सन के लिए। सपोज आपका कोई फ्रेंड है और आप अपने फ्रेंड से नाराज़ हो, तो आप उसे 10-15 दिन बात नहीं करोगे, ओके आप टोटली उसे डिसंगेज रहोगे, तो उसे बोलेंगे डिसंगेज, मतलब कुछ दिन के लिए आप उससे बात नहीं करोगे, आप उससे क्योंकि नाराज़ हो तो ऑब्वियसली आप उससे बात नहीं करोगे, तो उसे बोलेंगे डिसंगेज। तो एक्चुअली ये डिसंगेज जो है टेम्प्रोरी होता है, ये कोई परमानेंट नहीं है कि आप उससे हमेशा से नहीं बात करोगे या अपना फ़ोन आप हमेशा के लिए छोड़ दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप खाली उसको कुछ टेम्प्रोरली मतलब कुछ दिन के लिए या कुछ सप्ताह के लिए आप उसको यूज़ नहीं करोगे, आप किसी से बात करना छोड़ दोगे अपने फ्रेंड से, क्यों? क्योंकि आप डिसंगेज हो। जैसा पिक में देख सकते हैं ये जो ग्रुप है ये ग्रुप अलग अलग बढ़ चुके हैं, ओके ये डिसंगेज हो गए। ओके तो डिसंगेज मीन्स हुआ सेपरेट और रिलीज समवन और समथिंग, समवन और समथिंग फ्रॉम समथिंग टू विच दे आर अटैच्ड और कनेक्टेड। और इसे आप बोल सकते हैं फ्री और मूव ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम, हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं छोड़ना, संपर्क तोड़ना, और हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं डिसंगेज। ओके डिसंगेज तो डिसमिस आउट एंड इंगेज मीन्स ज्वाइन और कनेक्ट, डिसमिस आउट एंड इंगेज मीन्स ज्वाइन और कनेक्ट। सो यू आर फ्री और आउट ऑफ कनेक्शन विथ समथिंग, आउट तो हो गया आउट और कनेक्शन एंड ज्वाइन को हो गया, मतलब आउट ऑफ कनेक्शन आउट ऑफ ज्वाइन हो गया। सो यू आर फ्री और आउट ऑफ कनेक्शन विथ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल वी रन द रिस्क ऑफ डिसंगेजिंग आवर सेल्फ फ्रॉम एनी एक्शन ऑन करप्शन। ये भी लाइन मैंने आज के न्यूज़ पेपर से कॉपी किया। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्टोइक। स्टोइक स्टोइक STOIC स्टोइक। स्टोइक मीन्स एक्चुअली होता है बिंग काम, मतलब बहुत शांत रहना, मतलब किसी बात पे रिएक्ट नहीं करना, मतलब बिंग काम विदाउट एनी इमोशन। ओके मतलब आपके सामने कुछ हो रहा है बट आप उसको अनदेखा नहीं बोल सकते, आप उस बात का रिएक्शन ही नहीं दे रहे हो, आप शांत हो, मतलब आपके सामने कुछ भी हो आप शांत हो, आपको कोई मतलब रिएक्शन ही नहीं है, आप बिल्कुल विदाउट एनी इमोशन हो, उसको बोलेंगे स्टोइक। ओके स्टोइक मीन्स ए पर्सन हु कैन एंड्योर पेन एंड हार्डशिप विदाउट शोइंग देयर फीलिंग एंड कंप्लेनिंग। ओके वो जो दर्द भी झेल रहा है तो बस चुपचाप अपने दर्द को झेल रहा है, आपको वो कोई फीलिंग या कंप्लेन कुछ आपको शो ही नहीं कर रहा है, उसे बोलेंगे स्टोइक। और इसे आप बोल सकते हैं सीमिंगली अनअफेक्टेड बाई प्लेजर और पेन, हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं बैरागी, सन्यासी, और स्टोइक को हम ऐसे याद रख सकते हैं स्टोइक, स्टोइक स्टोन लाइक। ओके सपोज कोई पर्सन जैसे मैंने इसका मतलब बताया विदाउट एनी फीलिंग, मतलब वो क्या उसका पत्थर दे, मतलब उसको वो बिना फीलिंग के, तो उसको बोलते हैं ना पत्थर दे ले, उसको मतलब कोई फीलिंग ही नहीं है पत्थर दे ले, तो उस टाइप का ये स्टोइक को हम रिलेट कर सकते हैं। स्टोइक मीन्स स्टोन लाइक। ओके टू बी अ स्टोन, टू बी लाइक ए स्टोन मीन्स यू डोंट एक्सपीरियंस प्लेजर और पेन, मीन्स यू आर अनअफेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल आप ये पिक में देख सकते हो, ओके ये एक पत्थर है तो इसके सामने आप कुछ भी करो ये तो विदाउट फीलिंग, ये तो कोई एक्सप्रेशन देगा ही नहीं, उसे स्टोन लाइक मीन्स विदाउट एनी फीलिंग, वो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं देगा, पत्थर दिल है पत्थर टाइप का। ओके तो ये मैंने पत्थर से, ये पत्थर की मूर्ति है, इससे आप याद रख सकते हैं स्टोइक स्टोन लाइक और ये लाइक स्टोन लाइक। ओके फॉर एग्जाम्पल फेस्ड विद क्राइसिस दलितीज, मतलब दिल्ली के लोग पुट अप ए स्टोइक फ्रंट। ओके जैसे दिल्ली में अभी कैश क्रंच है बट दिल्ली के जो लोग हैं वो चुपचाप मतलब विदाउट एनी फीलिंग वो उस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। ओके वो मतलब कंप्लेनिंग नहीं कर रहे हैं, वो उस प्रॉब्लम को बस झेल रहे हैं, तो उस पे ये लाइन है। ओके चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा है सोबर।
नेक्स्ट वर्ड हमारा सोबर। सोबर का एक्चुअली दो मीनिंग ओके, इसका वर्ब का जो अलग, इसका वर्ब का जो वर्ड है, अगर आप इसको एक वर्ब पे सेंस के यूज़ करते हो, वर्ब का सेंस पे यूज़ करते हो तो उसका अलग मीनिंग होगा, और अगर आपका एडजेक्टिव के इसमें सेंस में यूज़ करते हो तो उसका मीनिंग अलग होगा। चलते हैं वर्ब का सेंस में, अगर हम एज अ वर्ब इसको यूज़ करते हो तो मतलब होगा मेक और बिकम मोर सीरियस एंड सेंसिबल, मतलब कोई बहुत सेंसिबल बहुत गंभीर समस्या है तो उसे बोलेंगे सोबर ओके। और आप इसे एडजेक्टिव में ले से एडजेक्टिव में ले सकते हो, नॉट इंटॉक्सिकेटेड और अफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ अल्कोहल, मतलब कुछ जो अल्कोहल यूज़ नहीं करता हो उसे बोलेंगे सोबर ओके। नॉट इंटॉक्सिकेटेड और अफेक्टेड बाय द यूज़ ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स, हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं गंभीर। जैसा आप पिक में देख सकते हैं, एक मिनट मैं इसके एग्जाम्पल समझा देता हूँ। द अरेस्ट ऑफ इंडियन एयर फोर्स फॉर्मल चीफ है एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी ऑन फ्राइडे बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ए सोबर मोमेंट ओके। जैसा आपको पता होगा आर्मी चीफ एसपी त्यागी ने अप्रॉक्स ये बात है 2005 की, जब एसपी त्यागी एयर मार्शल चीफ थे, उसने उस टाइम वो वीआईपीपी चॉपर का बात मतलब इंडियन डिफेंस खरीदने वाली थी, तो इन्होंने क्या किया था, यूके बेस्ड कंपनी है अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी है, वहाँ से बात हुई थी कि वहाँ से आप यहाँ इंडिया के लिए वीआईपीपी चॉपर खरीदोगे, तो वो डील बहुत बड़ी थी, लगभग 4500 करोड़ की वो शायद डील थी, तो उसमें इन्होंने 12% कमीशन लिया था ओके। एसपी त्यागी ने 12% कमीशन लिया था, लगभग बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो एक तरह का ये फ्रॉड हुआ गवर्नमेंट के ओके। ये क्या है, ये देश के लिए एक सोबर मूवमेंट है, क्योंकि आर्मी को हम एज रिस्पेक्ट देखते हैं, बट जो आर्मी ऐसा कुछ काम करने लगेगी तो एक तरह को वो हमारे लिए गंभीर समस्या है, सोबरिंग मूवमेंट है ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारा है वेजेस, वेज ओके। वेज का भी एक्चुअली दो तीन मीनिंग है, जैसे आप अगर इसको नाउन में यूज़ करते हो तो इसका मीनिंग अलग होगा, और वर्ब के सेंस में यूज़ करते हो तो इसका मीनिंग अलग होगा। नाउन का जो वर्ड है वो तो आप भी जानते हो, वेज मीन्स मतलब होता है जो आप एम्प्लॉयज़ को लेबर को जो पेमेंट करते हो मंथली या डेली बेसिस पे जो पेमेंट करते हो उसे बोलेंगे वेज ओके। मतलब नाउन का मतलब हुआ, अगर एज एम नाउन यूज़ करते हो वेज का मतलब, तो उसका मतलब होगा मनी दैट इज पेड और रिसीव्ड फॉर वर्क और सर्विसेज एज बाई द आवर डे और वीक ओके। वेज का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग डेली बेसिस पे या आवरली डे या वीक पे जो हम पेमेंट देते हैं अपने वर्क को सर्विसेज के लिए उसे बोलेंगे वेज ओके। और आप इसे वर्क के सेंस मतलब कैसे यूज़ करें, वर्क का मतलब हुआ टू कैरी ऑन ए बैटल वॉर कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट एटसेट्रा ओके। तो वर्क के सेंस में क्या यूज़ हुआ, वर्क मतलब किसी युद्ध को चलाना, अगर हम युद्ध हो रहा है तो युद्ध को कैरी ऑन भी तो होना चाहिए, तो वो जो कैरी ऑन होता है उसे बोलेंगे वेज एज ए वर्ब। जहाँ अगर वर्ब का यूज़ हो रहा है कैरी ऑन के मतलब सेंस में, जैसे कॉन्फ्लिक्ट या वार जो चल रहा है कैरी ऑन मतलब चल रहा है, तो उसे बोलेंगे वेज ओके। जैसे सपोज करो ये पिक में मैंने इसको बताता हूँ, जैसे ये देखो इंडियन आर्मी है, तो इंडियन आर्मी को जो मंथली जो सैलरी मिलती है उसे बोलेंगे वेज, बट जब लड़ाई होती है ओके तो ये जो कैरी ऑन एक्टिविटी करते हैं मतलब जो बैटल लड़ते हैं, मतलब वो बैटल 5-6 दिन चले 10 दिन चले महीना भर चले, तो वो जो बैटल लड़ते हैं उसे बोलेंगे कैरी ऑन बैटलिंग वॉर कॉन्फ्लिक्ट, उसे बोलेंगे वेज ओके। हिंदी में आप इसे बोल सकते हैं वेतन मजदूरी, और ये तो हुआ नाउन का मतलब, और वर्ब के सेंस में होता है संचालित करना ओके। अब तो याद रहेगा आपको संचालित करना मतलब टू कैरी ऑन एक्टिविटीज़ मतलब वार कॉन्फ्लिक्ट, तो उसे बोलेंगे संचालित करना। फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर वांस इस्लामाबाद ऑन वेजिंग ए प्रॉक्सी वार, होम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद को वार्न किया है फॉर वेजिंग ए प्रॉक्सी वार। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हाइपरलोप, हाइपरलोप का एक्चुअल के मतलब ये एक टर्म है, एक न्यू टर्म है। हाइपरलोप इज़ अ, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, पहले ये देख लेते हैं हाइपरलोप। हाइपरलोप ए न्यू मोड ऑफ पैसेंजर ओके। हाइपरलोप क्या है, ए न्यू मोड ऑफ पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन दैट प्रोपोल ए पोर्ट लाइक व्हीकल थ्रू ए नियर वैक्यूम ट्यूब एयरलाइन स्पीड। हाइपरलोप क्या है, एक्चुअली एक न्यू मोड ऑफ पैसेंजर है, आपने शायद सुना होगा, ये एक जैसे मेट्रो जो चलती है, सपोज करो जो मेट्रो ट्रेन जो चलती है
मेट्रो ट्रेन एक वैक्यूम ट्यूब रहेगी, उस पर चलेगी। तो ये उस तरह का ट्रेन है जो एक ट्यूब के अंदर चलेगी, दो ट्यूब रहेगा, एक जाने के लिए एक आने के लिए। उस दो ट्यूब में ये इतना मतलब वैक्यूम स्पीड चलेगी। इसका एवरेज स्पीड लगभग 950 किलोमीटर होगा, 950 किलोमीटर पर आवर, ओके। एंड हाई स्पीड होगा 1200 किलोमीटर पर आवर, जैसे मैं आप देख सकते हो, ओके। 1200 किलोमीटर पर इसका हाई स्पीड रहेगा 1200, सोच लो कितना स्पीड होगा। ये एयरप्लेन का मतलब जो स्पीड है उसको वहीं पर टक्कर देगा, उतना स्पीड से ये लैंड में चलेगा। सोचो कितना डेवलप हुई है, मतलब ऑसम उतना स्पीड। लेकिन अभी अभी सर ये प्रपोज हुआ है, अभी ये सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजेला के बीच जो चल रहा है उसका जो वो 35 मिनट्स में उतना वो डिस्टेंस कवर करेगा, सैन फ्रांसिस्को टू लॉस एंजेला, ओके। ये हाइपरबोला अभी वहाँ प्रपोज हुआ और अभी इस पर काम चल रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज़ जस्ट वाट हाइपरलोप नीड्स, ओके। सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको सारे वर्ड समझ आए कि नहीं आए, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में देना। और आपको कोई वर्ड टफ लगता है, ओके, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है, आप चाहते हो कि मैं वर्ड्स को उस वर्ड्स को अपने जो नेक्स्ट वीडियो उसमें अपलोड करके आपको वो अच्छे से समझाओ, पिक के साथ क्रिएट करके समझाओ, तो आप प्लीज़ कमेंट में देना, मैं आप उस वर्ड्स को ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ओके। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।